नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मेरे गार्डन में अपराजिता की बेल दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस बेल में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। सितंबर के महीने में अपराजिता की बेल में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है। यदि आप इस बेल की अच्छी केयर करते हैं तो ये बेल फूलों से लदी रहती है। आज मैं आपको बताऊँगा कि इस बेल से अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए हमें क्या करना है। वैसे ये बहुत ही इजी ग्रोविंग बेल होती है, इसकी हमें अधिक केयर नहीं करनी पड़ती है। मैंने पिछले साल इसके सीड लगाए थे और अब देखिए मेरे गार्डन में इसके बहुत सारे पौधे हो गए हैं। अपराजिता की बेल पूरी गर्मी के सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करती रहती है। इसमें नवंबर तक फ्लावरिंग हो जाती है। उसके बाद फ्लावरिंग के बाद इनमें फलियाँ बनती हैं और जब ये फलियाँ सूख जाती हैं तो अपने आप ही बिखर जाती हैं और इनके बीज नीचे गिरते रहते हैं और नए नए पौधे बनते रहते हैं। अक्टूबर नवंबर में जब ये बेल सूखने लगे तो आप इनकी फलियों को तोड़कर रख लें ताकि नेक्स्ट सीजन में इनके बीज उगाए जा सकें। इस बेल की ब्रांचेज चारों दिशाओं में फैलती रहती हैं और आप देख सकते हैं इसकी कितनी ब्रांचेज फैली हुई हैं। और इस बेल को हमें प्रून करने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना किसी प्रूनिंग के ही ये अपने आप ही घनी बन जाती है और इसकी ग्रोथ होती रहती है। अपराजिता को शंख पुष्पी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके फूल शंख के आकार के होते हैं और इसके फूल दो कलर के होते हैं, एक ये ब्लू कलर के फूल हैं और एक वाइट कलर के फूल होते हैं। इस बेल में सिंगल पेटल के फ्लावर खिले हुए हैं, मल्टी पेटल के फ्लावर वाली बेल भी होती है। मेरे गार्डन में ये 5-6 जगह उगी हुई है। पिछले साल के बीज यहाँ अपने आप ही नीचे गिर गए थे और ये बेल अपने आप ही उगी है और मैंने इस बेल में कोई भी एक्स्ट्रा खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। नीचे ज़मीन में ये बेल लगी हुई है इसलिए इस बेल की अच्छी ग्रोथ हो जाती है और कभी कभी मैं इस बेल में वाटरिंग करता हूँ। इस बेल की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप इस बेल में हर रोज़ पानी डालें। अपराजिता की इस बेल की ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाती है और ये जिस भी पौधे के आसपास लगी होगी तो उस पूरे पौधे को दबा लेती है। इसलिए मैं अब देखिए इस बेल की अधिक केयर नहीं कर रहा हूं और मैं कुछ ही दिनों में इस बेल को निकालने वाला हूं क्योंकि मेरे गार्डन में ये कई जगह उग गई है। अब इस बेल में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इसके ब्लू कलर के फूल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं इस बेल को अभी नहीं निकालूंगा। उसके बाद जब इसकी फ्लावरिंग कम हो जाएगी तो मैं इस बेल को अपने गार्डन से निकाल दूंगा। जब हमारे गार्डन में पौधे फ्री में उग जाते हैं तो हम उन पौधों की केयर नहीं करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है और मैं इस अपराजिता की बेल की बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूं क्योंकि मेरे पास इसके 15 से 20 पौधे हैं। इस बेल के आसपास स्नेक प्लांट और मदर ऑफ मिलियंस के प्लांट हैं और इस बेल ने उन प्लांट्स को दबा लिया है। मैं आपको ये दिखाता हूँ। इस बेल को इसीलिए निकालना पड़ता है क्योंकि ये सभी पौधों से बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है। अपराजिता की बेल में बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं इसलिए इस बेल को निकालने का मन नहीं करता है, मगर क्या करें, इस बेल की इतनी फास्ट ग्रोथ होती है कि ये पूरे गार्डन में फैल जाती है, इसलिए इस बेल को निकालना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, इस बेल में कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। यदि आपने ये बेल अपने गार्डन में नहीं लगाई है तो आप इस बेल को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें और इस बेल की हमें अधिक केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। एक बार ही इस बेल को लगाना पड़ता है, फिर तो हर साल इसके नए नए पौधे अपने आप उगते रहेंगे। इस बेल की अच्छी ग्रोथ के लिए इसको अधिक से अधिक सनलाइट वाली लोकेशन में रखना पड़ता है। यदि आपने इस बेल को गमले में लगा रखा है और इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो गमले को आप ऐसी जगह रख दें जहाँ इसको अधिक से अधिक सनलाइट मिल पाए। शाम के समय आप इस बेल में पानी ज़रूर डालें। हर रोज़ इस बेल में पानी डालोगे तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसमें अधिक से अधिक फूल खिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।